नमस्कार, गोरखपुर लाइव के चुनावी सफर में हम लोग पिपराइच आ गए हैं, जहाँ पिपराइच में बीजेपी का कार्यालय है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है सर? आनंद शाही जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख पिपराइच और हिंदू वाहिनी का जिला प्रभारी हूँ और परम पूज्य महाराज जी के दिशा निर्देश में पिपराइच नगर और पिपराइच देहात हम लोगों को देखने की जिम्मेदारी है। और गोरखपुर का क्या मुद्दा है? देखिए, गोरखपुर का एक ही मुद्दा है जी, कि जिस तरह से मोदी जी ने विकास किया है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा जनमानस तैयार है, प्रत्येक कार्यकर्ता इसको प्राण प्रण से लिया है, योगी जी के सम्मान पर और मोदी जी के विकास पर यहाँ का प्रत्येक मतदाता घर से निकल करके 19 तारीख को भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल के चुनाव चिन्ह पर वोट करेगा। बीजेपी के कार्यकर्ता काफी असंतुष्ट है, कुछ लोगों का कहना है कि रवि किशन शुक्ला बाहरी है और यहाँ पर भी कार्यकर्ता थे, उनको लड़ाया जा सकता था, इसका कारण क्या है? देखिए, यह परम पूज्य महाराज जी का संसदीय क्षेत्र रहा है, हम सभी लोग गोरखनाथ मंदिर और परम पूज्य महाराज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हम परम पूज्य महाराज जी को ही अपना आदर्श और अपना प्रत्याशी मान करके हम कमल के फूल को प्रत्याशी मानते हैं। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने कहा बूथ स्तर के पर कहा कि बूथ जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे। मैं प्रत्याशी को कौन प्रत्याशी आ रहा है, कौन प्रत्याशी नहीं आ रहा है, इस मुद्दे से हम भटकना नहीं चाहते हैं। सभी मतदाता, सभी कार्यकर्ता योगी जी को देख करके, मोदी जी को देख करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करना। आप तो कार्यकर्ता हैं जनता को, लेकिन जनता को कैसे समझाएंगे इस चीज को? लोग तो कह रहे हैं कि रवि किशन बाहरी हैं। जनता नहीं कह रही है, अगर बन गए तो चले जाएंगे। जनता नहीं कह रही है, कुछ तथाकथित विरोधी हैं। विरोधियों का साथ, देखिए, गुंडा राज नहीं चलेगा। आपराधिक चरित्र के व्यक्ति को घर का व्यक्ति सम्मान नहीं देता है। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को प्रत्याशी के रूप में महागठबंधन हो या अन्य दल हो प्रत्याशी उतारे हैं, जिनके इतिहास के विषय में पूरी जनता जानती है, जो कहीं कभी भी सामाजिक कार्य नहीं किए हैं, केवल लूट खसोट करने का काम रहा है, आपराधिक चरित्र रहा है, ऐसे व्यक्तियों से अच्छा मेरे रवि किशन जी हैं और योगी और मोदी जी हैं, उनको देख करके हम लोग वोट करें। अच्छा, अमरेंद्र निषाद पार्टी छोड़ दिए, पहले बीजेपी में आए, फिर पहले सपा में थे, फिर बीजेपी में आए, फिर सपा में चले गए, तो आपको नहीं लगता निषाद वोटरों में जो है काफ़ी प्रभाव है उनका, इससे जो है खेल बिगड़ेगा? देखिए, अमरेंद्र निषाद जी समाजवादी पार्टी से पहले उनके परिवार के इतिहास को अगर जानेंगे आप जी, तो वह उनका परिवार कभी बसपा में रहा है, कभी सपा में रहा है और कभी भारतीय जनता पार्टी से भी उनके स्वर्गीय पिताजी चुनाव लड़ चुके हैं, फिर इस बार आए थे और आदर्शवादी पार्टी होने के नाते यहाँ कार्यकर्ता से नेता लोग बनते हैं और नेता यहाँ नहीं आता है। कार्यकर्ता के हिसाब से कार्य किए होते, उनको धैर्य करना चाहिए था, धैर्य नहीं किए। दूसरी चीज़ यह है कि निषाद, जहाँ तक निषादों की बात है, बहुत बड़ा तबका निषादों का हम लोगों के साथ सदैव रहता है, परम पूज्य महाराज जी के ऊपर विश्वास करता है। इसी नाते आपने देखा होगा, चाहे वह 2002 का चुनाव रहा हो, चाहे 2004 का चुनाव रहा हो, चाहे 2000 का आप, उस समय तो योगी जी चुनाव लड़ते थे, लेकिन 2018 का भी उपचुनाव की बात कर लीजिए, उसमें निषाद वोटों का क्या रोल था, आपने देखा होगा? देखिए, उसमें निषाद वोट का रोल नहीं था, असमय गठबंधन, गठबंधन को हम लोग यह नहीं मान के चल रहे थे और अति उत्साहित कार्यकर्ता थे, क्योंकि परम पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री हो चुके थे, कार्यकर्ता यह जानते थे कि 3 लाख से अधिक मतों से परम पूज्य महाराज जी चुनाव जीते हैं, हम भी इस चुनाव को जीत जाएंगे। और थोड़ी सी कार्यकर्ताओं में अपने संदेश को जन जन तक पहुंचाने में कमी रही है, नहीं इस बार वो ऐसी स्थिति नहीं रही। सपा बसपा का गठबंधन हो गया है, आपको नहीं लगता जो है निषाद वोटरों का एक अच्छा खासा प्रभाव है? 13% गोरखपुर में निषाद है, ये परम पूज्य महाराज जी की बात, इसमें जाति बात की कहीं कोई बात नहीं है, सब लोग मंदिर से जुड़े हैं, सबकी आस्था मंदिर से, महाराज जी से और पार्टी से, यहाँ कोई जात बिरात के जो कुछ विरोधी हैं, ये लोग केवल जात बात का नारा लगा रहे हैं, साजिश फैला रहे हैं। लोगों का कहना है अगर महाराज जी का सीट है, अगर महाराज जी मंदिर का कोई प्रत्याशी रहता तो हम लोग सहयोग करते। निषाद हमारे मुखिया जी महाराज जी हैं, परम पूज्य महाराज जी हैं, मोदी जी हैं, कार्य करना है उनको, प्रत्याशी कोई जीत जाएगा उससे कोई मतलब नहीं, हम लोगों का कोई रहे हमारे भाजपा का प्रत्याशी करना महाराज जी का है, बस सीधी बात है। क्या आप जातिगत समीकरण को इग्नोर कर रहे हैं? न, बिल्कुल, हम सबको मान के चल, सब लोग हमारे बताना चाहते हैं, जात नहीं लड़ते हैं। जहाँ तक निषाद नेता की बात है,
हम नहीं समझ पा रहे हैं कि जमुना जी की बात छोड़ दीजिए, लेकिन रमाकांत निषाद जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं वो हमारे पर निषाद हैं। जयप्रकाश निषाद जो विधायक रह चुके हैं, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति हैं, और जयप्रकाश निषाद जी भी अपने अपने बिरादरी में एक अच्छी पकड़ रखते हैं, रमाकांत जी एक अच्छी पकड़ रखते हैं, तमाम ऐसे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं जो निषाद बिरादरी से मौजूद हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फैक्टर निषादों का रहेगा, क्योंकि निषाद हमेशा भगवान राम का भक्त रहा है, भगवान राम को पार लगाता रहा है योगी जी के सम्मान पर प्रत्येक निषाद। लेकिन निषाद तो कह रहे हैं, निषाद वोटर तो कह रहे हैं प्रवीण निषाद को जो है एक साजिश के तहत संत कबीर नगर भेजा गया योगी की सीट बचाने के लिए। हमारे प्रवीण निषाद जी भारतीय जनता पार्टी के इस समय स्टार प्रचारक हैं, उनके पिताजी प्रचारक हैं, और जो भी व्यक्ति करा बहुत बड़ा तबका निषाद उनके साथ है, आज भी मेरे साथ उनकी टोली मिल के काम करने के लिए तैयार है। संत कबीर नगर का जो कन्वर्ट वोटर है जैसे गोरखपुर में, वो कन्वर्ट कर पाएंगे निषाद वोटरों को जो अपने पक्ष में ला पाएंगे, आपके पक्ष में बीजेपी के पक्ष में ला पाएंगे? पहले तो वो गोरखपुर के हैं जी, गोरखपुर में उन्होंने काम किया और गोरखपुर में निषाद विकास मंच बनाया था, और उनकी जो टीम है वो हम लोगों के साथ चलने के लिए तैयार है। संत कबीर नगर में लोग कह रहे हैं कि संत कबीर में निषाद बाहरी आया, गोरखपुर में जो है रवि किशन बाहरी है, तो कैसे बाहरी नहीं है। संत कबीर नगर से ही उन्होंने संघर्ष प्रारंभ किया था, आप अच्छी तरह से जानते हैं, समाजवादी पार्टी के सरकार में जब निषादों के ऊपर अत्याचार हुआ था वहीं से उन्होंने प्रारंभ किया था राजनीति, और निषादों के उत्थान के विषय में उन्होंने सोचना प्रारंभ किया था। उनके तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चार्ज करते हुए जेल में बंद किया गया था, गुंडा एक्ट लगाया गया था। निषाद भूला नहीं है, निषाद अच्छी तरह से जानता है कि हमारे बिरादरी के साथ, हमारे कमल लोगों के साथ, हमारे नेताओं के साथ क्या हुआ है, और उसको देखते हुए निश्चित रूप से निषाद भारी संख्या में हम वोट करेगा। अमरेंद्र निषाद अगर इतने ही बड़े वह निषाद नेता होते तो क्या वह विधानसभा का चुनाव हार गए होते? लेकिन बीजेपी में आ गए तब तो ठीक था, नहीं बीजेपी में थे तो ठीक था। बीजेपी एज ए कार्यकर्ता के रूप में काम कराती है, और हम तो सर्व समाज की पार्टी हैं, हम किसी व्यक्ति को महिमा मंडित नहीं करते हैं, हमारे वहाँ कार्यों की महिमा होती है। जो कार्य करेगा वही हमारा नेतृत्व भी कर सकता है, और जो कार्य नहीं करेगा वह नेतृत्व नहीं कर सकता है। यह लोग कार्य करने वाले व्यक्ति नहीं है, अब कुछ तथाकथित बिरादरी के लोगों को गुमराह करके अपनी राजनीतिक उल्लू सीधा करते हैं। आनंद जी, गोरखपुर लाइव से बात करें, धन्यवाद।